फ्रॉम साइन कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। सीधी CHP का लैपटॉप है मेरे पास, इसमें i3 प्रोसेसर है। प्रॉब्लम क्या है मैं वो दिखा देता हूँ पहले आपको। देखिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है आपने। कस्टमर्स को जब ऑन करता है तो होता क्या है, देखिए ऐसे लाइट आ रही है, इसकी ब्लिंक हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसका। ठीक है जी, दैट्स इट, बस इतना ही कंडीशन है इसका। इसको चेक करने का तरीका क्या है देखिए, पहले वो मैं बता देता हूँ कि लैपटॉप डेड है या कोई और प्रॉब्लम है। जब इस कंडीशन में कभी आपका लैपटॉप आपके पास आता है तो इसका जो कैप्स लॉक का बटन होता है ना, CDC कैप्स लॉक होता है, तो इसके यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है। कैप्स लॉक का बटन आप दबाओगे तो देखो मैं दबा रहा हूँ तो देख रहे हो आप ऑन हो गया, दोबारा दबाया तो वो बंद हो गया। तो जब कभी ये कंडीशन होती है तो आपको इसे दबा के देखना है, अगर ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है तो इट्स मीन ये है कि इसका जो इंटरनल मदरबोर्ड है वो वर्किंग कंडीशन में है, लैपटॉप चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा, उसका कोई और रीज़न है। अब वो क्या है वो देखते हैं, इसको खोलना ज़रूर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, तो लैपटॉप खोलते हैं। देखिए अब लैपटॉप आपको घर में खोलना है तो मैं पहले बता देता हूँ, देखो ये लेटेस्ट लैपटॉप होते हैं, इनमें एक नट तो ये रहा स्क्रू, इसका एक स्क्रू इसका यहाँ पे होता है, वो गिरा हुआ है ऑलरेडी, और इसके दो तीन स्क्रू इस ये जो पट्टी है ये रबड़ की है इनके नीचे होते हैं यहाँ पे। चलिए मैं दिखाता हूँ खोल के आपको, खोलना कैसे है ये भी देख लीजिए। ठीक है जी, देखो एक स्क्रू ये रहा इसका, एक ये रहा, ठीक हो गया जी। इसको बंद कर दीजिए, अदरवाइज इनकी जो गम होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से होगा। ये इसके स्क्रू खुल गए। ठीक है जी, देखो इसको खोलना कैसे है, स्क्रू खुल गए हैं। ये जो देखिए यहाँ पे ब्रेक लाइन होती है ना, इसको कई लोग तो देखिए ओपनर के साथ खोल लेते हैं या नेल के साथ खोल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ ब्रेक लाइन से ही ये लैपटॉप खुलेगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक लाइन पे कोई भी ब्रेक सा पेचकस देना है आपने, इसके लॉक होते हैं, लॉक ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे लैपटॉप। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे खुलेगा। आई थिंक जितना ब्रीफली मैं आपको लैपटॉप खोलना सिखा रहा हूँ आपको कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई लैपटॉप आपको ऐसे खोलना सिखाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको दबा लें ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है जी, ये लो ये लैपटॉप खुल गया हमारा, इसको साइड पे कर लेते हैं। देखो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसकी जो रैम है, जिसमें देखिए ये रैम होती है इसकी, इस रैम को निकालेंगे हम। रैम को निकालना कैसे है, इसके साइड पे दो लॉक होते हैं रैम के, इन लॉक्स को आप साइड पे करोगे तो रैम अपने आप बाहर आ जाएगी, सीधी रैम ऊपर आ गई। ठीक है जी, इस रैम के जो ब्लू यहाँ पे जो येलो पिंस होती हैं इनको ब्रश के साथ कोई भी ऐसे ही नॉर्मली क्लीन कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई कार्बन आई होती है या डस्ट आई होती है, और ये जो रैम की स्लॉट्स है इनमें भी आप अच्छे से ब्रशिंग कर लीजिए। ये सब करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके लैपटॉप का फ़ैन है, प्रोसेसर फ़ैन, वो बंद होना चाहिए, अदरवाइज आपका लैपटॉप शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया ब्रशिंग। हम इसको रैम को देखो लगाना कैसे है, यहाँ पे ये कट है रैम में, यहाँ पे एक कट होता है, बस इस कट को आपने इस कट में डालना है और रैम को नीचे की तरफ पुश कर देना है, लॉक की अपनी जगह पे जाने की आवाज़ आएगी, ध्यान से सुनना है। आवाज़ आई तो मतलब रैम लग गई। इतना हो गया सर, इसके बाद हमें क्या करना है दोबारा से इसे चला के देखना है कि देखो अब पता कैसे लगेगा। देखो यहाँ से फ़ैन चल रहा है, लैपटॉप चल गया,
लाइट आ गई है, लाइट आ गई लेकिन सेम कंडीशन है। देखो कैप्स लॉक चला रहा हूँ, ये देखिए कैप्स लॉक फिर चल रहा है, लाइट आ गई लेकिन डिस्प्ले नहीं आया, सेम कंडीशन है तो बंद कर दीजिए। एक चीज़ हो गई, मतलब रैम का इशू नहीं है। अब दूसरा देखिए इसमें क्या चीज़ होती है कि इसका ये यहाँ पे SSD हार्ड ड्राइव होता है, इसमें ये हार्ड ड्राइव है SSD। तो अब हम इस हार्ड ड्राइव को निकालेंगे, बिट लेना, मेरे को बिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखिए ये SSD हार्ड ड्राइव है, इसे निकाल लीजिए, क्योंकि जो आजकल लेटेस्ट सारे लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट फ्रॉम कंपनी साइड ये SSD NVMe ही हार्ड ड्राइव आती है। ठीक है जी, ये हार्ड ड्राइव है, ये पहले वो बड़ी बड़ी वाली हार्ड ड्राइव आती थी वो निकल गई हैं, वो साटा हार्ड ड्राइव होती थी, अब ये हार्ड ड्राइव है देखो इसकी। ठीक है जी, ये स्टोरेज है इसकी सारी, तो इसे निकाल लीजिए, इसको निकाल के साइड पर रख दीजिए। ठीक है जी, इसके विदाउट हार्ड डिस्क हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। ठीक है जी, ये मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप ऑन हो गया, हो गया, देखो लाइट आ गई। अब सी दिस, ठीक है जी, पहले क्या था, पहले बिल्कुल ब्लू स्क्रीन आ रही थी, वाइट स्क्रीन आ रही थी, कोई मैसेज नहीं आ रहा था। हार्ड डिस्क को जैसे हमने निकाला तो वहाँ पे ये मैसेज आ गया, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, इसको ऐसे टच कर। ठीक है जी, बूट डिवाइस नॉट फाउंड आ गया, इट्स मीन इसका प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी हार्ड ड्राइव में कोई इशू है। अब हमें चेक कैसे करेंगे, देखिए आप लोग को चेक करने के लिए तो अब इसको दुकान पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा नहीं होगी, लेकिन हमारे पास हार्ड डिस्क है तो हम इसमें दूसरी हार्ड डिस्क लगाएंगे, दूसरी हार्ड डिस्क लगा के इसमें चेक करेंगे, तब इसका पता लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी इसके लिए इसको बंद कर रहा हूँ। चलिए ये बंद हो गया, अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इसकी हार्ड ड्राइव ये थी ब्लू कलर की, मेरे पास ये HP का हार्ड ड्राइव अलग से है एक, तो मैं ये हार्ड ड्राइव लगा के देखो इसको चेक करते हैं अपन। ठीक है जी, ऑन करते हैं लैपटॉप को। जस्ट सी दिस फ्रेंड, अब देखो हमने सिर्फ हार्ड डिस्क चेंज किया है। ठीक है जी, हार्ड डिस्क चेंज करते ही देखिए इसका HP का लोगो भी आ गया, इसका जो नीचे विंडो बूट का जो आइकन होता है देखो वो भी आ रहा है इसकी, मतलब ये है कि जो पहले वाली हार्ड जो इसकी मैंने अभी HP का हार्ड ड्राइव लगाया है, जो उसके अंदर विंडो बूट हो रही थी पहले चल रही थी, वही विंडो यहाँ पे बूट हो रही है। अब लैपटॉप हमारा वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉब्लम क्या है इसकी, हार्ड डिस्क खराब है। अब देखो अब करना क्या पड़ेगा कि इसकी नई हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी, या फिर क्योंकि ये हार्ड ड्राइव जो है ये कंपनी की तरफ से आ रखी है और इसकी एक साल की ही गारंटी होती है, तो ये हार्ड ड्राइव अब इसकी चेंज होगी और लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है। जस्ट सी दिस, लैपटॉप हमारा चल गया है, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो अभी के लिए मैं देखिए बंद कर रहा हूँ लैपटॉप। अब देखो हमारा इस लैपटॉप को देखिए हार्ड डिस्क चेंज करने का मोटिव ये था कि हमें फिलहाल इस लैपटॉप में प्रॉब्लम फाइंड आउट करना था, ट्रबल शूट करना था कि लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या है कि ये हार्ड डिस्क चेंज करने की वजह से हमें ये पता लग गया कि इसकी हार्ड डिस्क का इशू है, डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, वो हार्ड डिस्क की वजह से नहीं आ रहा था। तो देखिए फ्रेंड, अब इस लैपटॉप को ऐसे ही बंद करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कस्टमर के पूछे बिना अपन इसमें हार्ड डिस्क नहीं डाल सकते, पहले कस्टमर से कन्फर्मेशन लेंगे तब इसमें अपन हार्ड ड्राइव डालेंगे। तो फिलहाल देखिए आपको तरीका पता लग गया, वेआउट पता लग गया, कैसे लैपटॉप खोलना है, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है। ठीक है जी, और तो बस जिन लोगों ने प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो साथ में नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसको जरूर दबा दें, ताकि जो फ्यूचर में वीडियोज़ बनाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।